झारखंड के साहिबगंज जिला स्थित सदर अस्पताल में महिला ने एलियन की तरह दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही बच्चों को देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। इधर बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे अपनी निगरानी में लाइफ केयर सपोर्ट पे रखा है। पहले भी दो ऐसे बच्चों को दिया जन्म। जानकारी के अनुसार मेरी पहाड़ी नामक महिला ने एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। इस संबंध में डॉक्टर रिंकी ने बताया कि नवजात को जेनेटिक डिफॉल्टर नामक बीमारी है। उनकी मां ने तो परिवार में इस प्रकार के तीसरे बच्चे ने जन्म लिया है। इससे पहले साल 2015 और 2017 में गांव में ही दो बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। 2017 में तीसरा बच्चा पैदा हुआ है जो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन शनिवार को अस्पताल में हुआ चौथा बच्चा पूर की ही तरह है। बता दें कि साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के बांस पहाड़ गांव का रहने वाला अमरेंद्र माल्टो आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से आता है। खेती कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता है। अमरेंद्र ने बताया कि घर में वृद्ध मां, पत्नी और एक 2.5 साल का बच्चा है। बच्चे को लेकर चिंतित है पिता। दो बच्चों की मौत से घबराया हुआ अमरेंद्र शुक्रवार को हुए अपने चौथे बच्चे के जीवन को लेकर काफी चिंतित है। इधर सीएस अरविंद कुमार बच्चे को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने ऐसी बीमारी होने की वजह से किसी एक्सपर्ट से जांच कर पता लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी बच्चे को 48 घंटे के लिए इमरजेंसी में रखा गया है। इधर जिले के डीसी रामनिवास यादव ने कहा है कि ये बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार होने की वजह से इस तरह दिख रहा है। बच्चे को चिकित्सक की निगरानी में रखा गया है। प्रशासन माँ बेटे के इलाज के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। सीएस को आदेश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसे इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।